चलिए तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड इवनिंग जल्दी से आप सभी लाइव आएंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ एसएससी वाला के साथ और अपनी शिल्पी मैम के साथ और बताएंगे आप सभी कैसे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलिए अनुझा आ गए हैं तो सारे बच्चे एक बार फटाफट लाइव आ जाएंगे ठीक है सभी के सभी एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे है ना जिससे अपनी क्लास को हम जल्दी से शुरू कर पाए एक बार सारे के सारे लाइव आ जाओ हाँ जी वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एक बार जल्दी से सारे के सारे क्या करेंगे लाइव आ जाएंगे फटाफट 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 ठीक है ओके okay. तो हमें बहुत सारे बच्चे लाइव आ गए हैं जिन्हें मैं देख पा रही हूँ अनुजा है ठीक है जतिन है और सुपरस्टार है महनाज है सतीश है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं तो देखो जैसे बात करते हैं बहुत सारे शहर हैं जिसके नाम बदल गए बहुत सारे मंदिर हैं जिसके नाम बदल गए और बहुत सारे रोड रास्ता है जिसका नाम बदल गया है ना आप भी अपने रास्ते को बदल लीजिए ठीक है एक अच्छे रास्ते पे चलिए अपने सिलेक्शन वाले रास्ते पे चलिए अगर आप किसी बुरे रास्ते पे हैं किसी दूसरे रास्ते पे हैं जो आपको सिलेक्शन तक नहीं ले जाएगा है ना वो आपको कहीं ना कहीं बीच में ही छोड़ के चला जाएगा तो उस रास्ते को बदल लीजिए ऐसे ही आपके शिल्पी मैम का जो टेलीग्राम चैनल है उसका

तो आपको ये चैनल मिल जाएगा है ना सही था ना बिल्कुल चले गुड इवनिंग कोयल मैम गुड इवनिंग भाई अनु निषाद विजय अजय अनु और नेहा काजल पांडे गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई साहब क्या स्वागत किया है काजल पांडे नेहा आग वाग लगा के ठीक है ढोल नगारे के साथ ठीक है चले दर्शन है विक्की है हरेंद्रा है काजल पांडे है तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे हाँ अप्रॉक्स आ चुके हैं मैं अपनी क्लास शुरू कर सकती हूँ ठीक है यहाँ पे सभी बच्चे लगभग लगभग सारे के सारे आ चुके हैं तो मैं अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकती हूँ ऐसा मुझे लग रहा है चले गुड इवनिंग आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्टार्ट पोल के साथ करेंगे ठीक है पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाएगा वेयर इज द मोस्ट आयरन फाउंड केला सेब दूध पत्तेदार सब्जी ठीक है वन हैज द हाइएस्ट या मैं के, मैं कह सकती हूँ रिच सोर्स ऑफ आयरन ठीक है आप जानते हैं हम हमारे भोजन में भी आयरन होता है हमारे ब्लड में आयरन है ठीक है आपके ब्लड में भी आयरन है एग्जाम में आया था कि हमारे ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है आयरन यानी लोहा तो जब हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आप ग्रीन वेज खाना शुरू करें आप हरी पत्ती खाना शुरू करें ये बच्चों याद रखेगा इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में है ठीक है साथ में इसमें विटामिन के भी बहुत

चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा फटाफट आंसर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे सोने को घोला जा सकता है गोल्ड कैन डिजोल्व इन एसिड एसिड नाइट्रिक ठीक है या आपका थ्री पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड वन पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें जो है हम गोल्ड को घोल सकते हैं आपको पता है ना कि जो गोल्ड होता है एक बहुत ज्यादा अगर हम बात करें ऐसा सोल्यूशन है या मैं बात करू एक जो है आपका मेटल है है ना तो किसमें घोला जाता है जो पुराने गहने होते हैं उन्हें क्या करते हैं हम सुनार पे देके आते हैं ठीक है ज्वेलर्स उसे क्या करते हैं उसे नए डिजाइन में नए जो है ज्वेलरी में चेंज कर देते हैं कैसे करते हैं वो बच्चे वो एक्वारिजिया के सोल्यूशन में उसे डालते हैं ठीक है एक्वारिजिया के क्या करते हैं के सोल्यूशन में उसे

ऑप्शन आप सभी का सही है शो रिजल्ट में 89 परसेंट यानी लगभग 90 प्रतिशत बालक सही कर रहे हैं है ना अनु झाकर मैम हट जाया करो हाँ ठीक है ओके okay, कोई बात नहीं अंगराज मिस अंजलि निलेश पापी गुड़िया और लास्ट में यहाँ पे आंसर है पंच ठीक है चलिए तो अगले क्वेश्चन पे देखो अगले क्वेश्चन में बिल्कुल साइड में हूँ आपको बिल्कुल नहीं मैं तंग करूंगी क्वेश्चन रडार का आविष्कार किसने किया है ठीक है रॉबर्ट वॉटसन ने या फ्लेमिंग ने या आपके जो है विशवाल ने या ऑस्टिन ने ठीक है किसने यहाँ पे रडार का प्रयोग किया है सॉरी आविष्कार किया आपको बताना है ठीक है जल्दी से बताइए रडार का आविष्कार किसने किया है जल्दी 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 हाँ जी क्या आंसर आएगा तो यहाँ पे सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं और शानदार आंसर कर रहे हैं ठीक है ऑप्शन ए पे आपका सही जाएगा ऑप्शन ए पे आपका सही जाएगा रॉबर्ट वॉटसन यहाँ पे आपका सही जाएगा ए ऑप्शन के साथ जल कर रहे हैं आंसर यहां पे 77 सही है और बिल्कुल ठीक आंसर है अंगराज पापी गुड़िया प्रि, प्रिंस ठीक है हेमंत रामराज और लास्ट में आंसर है प्रीति सिंह का और सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो ठीक है सभी बिल्कुल क्या कर रहे हो सही आंसर कर रहे हो अगले पे चलेंगे अगला यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन है आपके सामने स्टार्ट पोल कर दिया चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है विच वे डस द मैग्नेटिक निडल पॉइंट ठीक है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ स्काई ठीक है जो आपकी क्या होती है बच्चा जो आपकी चुंबकीय सुई है है ना जो क्या होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है ठीक है तो उसे उसे हमेशा किस साइड से वो संकेत देती है आपसे ये पूछा जा रहा है आंसर करिए जल्दी 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 तो सभी ने यहाँ पे अपना अपना आंसर किया है आप सब जानते हैं हमेशा नॉर्थ टू साइड ठीक है तो नॉर्थ यानी उत्तर आपका सही जाएगा सी ऑप्शन आपका है ना सी के साथ शो रिजल्ट कर लेंगे और 85 परसेंट इस क्वेश्चन में भी सही बता रहे अंग्राज मिस अंजलि पापी गुड़िया और लास्ट में अजय राजमीना ठीक है वर्षा तृप्ति कश्यप बीच में हम देखेंगे ठीक है आइए अगले क्वेश्चन पे अगला है आपके सामने यहाँ पे कि वेन इज द शॉर्टेस्ट डे सबसे छोटा दिन कहाँ होता है या कब होता है है ना 22 दिसंबर है तो 23 सितंबर है और 23 जून है और 23 अप्रैल है आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा बताइए सबसे छोटा दिन कब होता है काजल पांडे नीति गहलोत ठीक है मिस प्रियांशु और अनुजा फोकस और यहाँ पे आंसर है नरेंद्र मंडा तो भाई आज बुजुर्ग स्टूडेंट सारे के सारे आए हुए हैं यहाँ पर विजय और इतनी फास्ट आंसर आ रहा है कि मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ अमित मुस्कान ठीक है ऐसा ही आंसर आना चाहिए बहुत शानदार है तो आंसर यहाँ पे 22 दिसंबर आपका बिल्कुल सही है है ना 22 दिसंबर ए ऑप्शन आपका सही जाएगा ठीक है शो रिजल्ट में यहाँ पे सेवेंटी आपका सही आंसर देने वाले बच्चे हैं अंगराज मिस अंजलि बीच में देखे तो आपके जो है कौन है राहुल है शिफा है मंजुलिका है फोकस ऑन योर गोल है और लास्ट में आंसर है मीना का संदीप का मुस्कान का आइए आगे आएंगे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है निकोटिन पाया जाता है निकोटिन in, ठीक है, चाय की टी रूम, ठीक है, या टोबैको में या कॉफी में या बच्चा नीम वाटर में किस में पाया जाएगा निकोटिन किस में पाया जाएगा चाय पत्ती में हां पत्ती ठीक है क्या आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन चाय पत्ती में हम्म तो कोई और, कोई यहां पे फंस नहीं रहा है जाल में

और सुरेखा यहां पे है फोकस ऑन योर गोल प्रज्ञा मोहित कोमल अक्षय और यहां पे कौन है यहां पे मंगी लाल है ठीक है चलिए भाई मंगीलाल जी अगला क्वेश्चन बड़ा चंगी है आंस, आंसर कर दीजिए ठीक है क्वेश्चन है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई द फर्स्ट लिविंग विंग कैन इनटू टू एग्जिस्टेंस ठीक है बताइए कहाँ पे पृथ्वी पे हवा में जल में या अन्य किसी ग्रह पर सबसे पहला जो जीव है वो कहाँ पर आया सबसे पहला जो जीव है वो कहाँ पर आया आंसर करिए सबसे पहला जीव कहाँ पे आया हाँ जी अर्थ पे एयर में वाटर में कहा पे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत फटाफट करेंगे है ना चलिए सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं कि मैम सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे आया था सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ पे हुई पानी में हुई थी वाटर आपका भी सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही पचास प्रतिशत यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहे हैं शिवानी मिश्रा पापी गुड़िया नीति गहलोत नीलेष काजल पांडे और यहाँ पे आंसर है आ, सानिया सूरज सूरज आज बड़े दिन बाद चमके तुम हाँ कहाँ सो गए थे बुआ के गए थे नानी के चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्टार्ट पोल करते हैं द लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने किसके किसकी थी ठीक है खोज किसकी थी ठीक है आपसे पूछा जाए हु प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग ठीक है लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसने खोजा भाई न्यूटन ने या आपके राइट ब्रदर्स ने या गैलीलियो ने या आर्कमिडीज ने किसने खोजा है जल्दी से बताइए है ना कि कोई चीज कब तैरती है पानी में है ना अगर हम इस पेन को पानी में फेंक दे तो ये कब तैरेगा पानी में कि जितना इसका भार है उतना पानी अगर ये हटा देता है है ना अपने नीचे से तो वो उस पे तैरेगा अगर पानी नहीं हटा पाता है तो ये डूब जाएगा तो ये इन्होंने क्या बताया था ये इन्होंने किसने अगर हम बात करें ये बताया था ये दिया था आरकम डीज ने ठीक है डी ऑप्शन आपका सही जाएगा डी वाले सभी यहाँ पे राइट है डी ऑप्शन इज राइट है चलिए एटी सेवन परसेंट आप सभी का यहाँ पे सही है ठीक है 87 सेवन आप सभी का यहाँ पे एटी सेवन परसेंट आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का यहाँ पे सही है चलिए ठीक है ओके आइए क्वेश्चन करते रहेंगे ठीक है बात करें कितने बच्चे हैं यहाँ पे अंगराज मिस संजली और लास्ट में यहाँ पे आंसर है संदीप वर्षा संजय गुप्ता अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टार्ट पोल कर देंगे क्या क्वेश्चन है देखते हैं क्वेश्चन है कि टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है टिटनस डिजीज इज कॉज बाय विच बैक्टीरिया है ना आपसे पूछा जा रहा है कि जो टिटनेस है वो किस बैक्टीरिया से होता है ठीक है ट्राइको टिकनेक्स ठीक है या आपका है यहाँ पे ट्राइकोन ट्राइकोमोनस या बचा क्लॉस्ट्रीडियम टिटन या आपका है यहाँ पे जियार्डिया ठीक है लैम्बा आरडिया ब्लिया ठीक है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा फटाफट आंसर करते रहेंगे सी ऑप्शन डी ऑप्शन पे पे सभी अपने अपने हिसाब से खेल रहे हैं आंसर पे है ठीक है ठीक होता क्या है बच्चों देखो कभी भी ये बैक्टीरिया होते कहाँ है जैसे कोई लोहे की चीज है लाइक मतलब कोई मेटल है ठीक है कोई मेटल है वहां पर रहेगा मिट्टी में रहता है ठीक है तो जो आपका घाव है आपको कहीं चोट लग गई घाव लग गई ना तो घाव में हमेशा उस पर पट्टी वगैरह लगा के रखे साथ में उसको सैनिटाइजर से आप क्या करें उसको साफ भी क्या करें क्यों मैम क्योंकि बच्चों क्या होता है जो घाव होता है इसी घाव जो होता है वाउंड होता है जो कंटामिनेटेड वाउंड होता है ना कंटामिनेटेड वाउंड होता है यही के थ्रू क्या होता है यही के थ्रू जो है आपका जो ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाता है है ना जाते ही आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा और जो है आपका स्पाइनल कोड क्या करेगा उस, उसको खराब कर देगा तो एट्टी सिक्स परसेंट यहाँ पे आपका सही है और अंगराज नीलेष नीति गहलोत महनाज और मुझे लगता है कि आधे बच्चे इस क्वेश्चन में तुक्केबाजी खेले होंगे है ना चंद से जो टूटे कोई सपना कौन सा तप, सपना टूट गया है भाई कौन सा सपना टूट गया यहाँ है पे है ना आइए उसके बाद में अगले पे चलते हैं अगला आपके सामने है चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ डस द एथलीट फुट डिजीज आकर यह आज ही मैंने पढ़ाया है बताएं जरा एथलीट फुट रोग किससे होता है एथलीट फुट रोग किससे होता है जल्दी-जल्दी बताएं एथलीट फुट रोग कैसे होता है मैमी पोल कैसे आता है बच्चा पोल नहीं आता ए बी बी सी सी डी डी आंसर करो उसी बेसिस पे पोल आपका नाम कलेक्ट कर लेगा पोल आपके पास नहीं जाएगा बस अपना आंसर फेंको ए सही लग रहा है ए फेंको बी सही लग रहा है बी ए बी सी डी लिख के कुछ भी फेको अगर सही है तो तुम्हारा नाम आ जाएगा आंसर यहाँ पे क्या सही है तो दिस इज अ फंगल डिजीज ठीक है एक प्रकार के फंगी से होता है डर्मेटोफाइट ठीक है डर्मेटो डर्मेटोफाइट फंगी है एक ठीक है उससे क्या होता है ये बच्चा आ, एथलीट फूड डिजीज हो जाता है और मैंने एक ट्रिक भी बताया था क्या ट्रिक बताया था याद है ना अच्छा जल्दी से ट्रिक लिख दो क्या बताया था भाई गंजा दामाद फ्रूट खाए है ना एक तो गंजा है और ऊपर से फ्रूट खाता है ठीक है तो ये भी ये जो ट्रिक था ये फंगस के लिए था कि फंगस से होने वाले सारे रोग जो एग्जाम में आते हैं इसी में आ जाएंगे तो जो फ्रूट था बच्चों जो फ्रूट था फ्रूट से ही हमने बना लिया था एथलीट फूट ठीक है तो एथलीट फूट किससे होता है फंगस से होता है मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है ना चलिए देखो सभी लिख रहे हैं है मैम गंजा दामाद फ्रूट खाए बिल्कुल है ना तो लिख दो लेकिन पढ़ना मत क्योंकि अगर मम्मी ने सुन लिया तो बहुत पिटाई करेंगे आपकी 90 परसेंट यहाँ पे सही है नीति गेलोत मिस अंजलि कॉकरोज गैंग अंगराज पापी गुड़िया अनु निषाद अंजुलिका प्रियांशु और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है एक्साइज इंस्पेक्टर और रोहित मंजीत अभिषेक कुमार ये यह सभी यहाँ पे बिल्कुल करारा जवाब दे रहे हैं आइए अगला क्वेश्चन भाई अगला है किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कीमोथेरेपी जो है आपने देखा होगा आपने सुना होगा कीमोथेरेपी के बारे में कीमोथेरेपी इलाज किसके लिए किया जाता है कैंसर के लिए किया जाता है ट्यूबर क्लोसिस के लिए किया जाता है विष्णुई ए के लिए किया जाता है ठीक है या बच्चों यहाँ पे आपका अर्थराइटिस है है ना देखो हेपेटाइटिस ए तो मैंने सुना है लेकिन ये विष्णुई तो कुछ और है विष्णुई नहीं आएगा यहाँ पे ठीक है विष्णुई मुझे आज तक नहीं पता ये क्या है

आंसर अंगराज शिवानी मिश्रा नीति गहलोत पापी गुड़िया और लास्ट में यहाँ पे वर्षा आंसर कर रहे हैं चले भाई अगले क्वेश्चन पे आपका आपकी नजर होनी चाहिए इनमें से कौन सी गैस फुटबॉल फुटबॉल में से सबसे तेजी से बाहर निकलेगी ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि जब क्या होगा कि फुटबॉल फटेगा तो कौन सी गैस है जो सबसे तेजी से बाहर निकलेगी कौन सी गैस है जो सबसे तेजी से बाहर निकलेगी फटाफट आंसर करिए कौन सी गैस है अब ये देखो क्या आंसर कर रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन अरे ये नहीं पूछा जा रहा कौन सी गैस भरी है ये पूछा जा रहा कि कौन सी गैस सबसे तेजी से बाहर निकलेगी <laughs> आंसर बी सही हाइड्रोजन आपका सही जाएगा ठीक है हाइड्रोजन आप सही जाएगा है ना मोलिकुलर वेट पढ़ोगे तब तो हमें पता चलेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे फटाफट बाहर निकलेगी तो बी ऑप्शन आपका शो रिजल्ट करने पे सही है बस पंद्रह प्रतिशत बालक यहाँ पे सही है, है जो ना जो नाक कटने से बचा रहे इसीलिए मैं ज्यादा तेज तेज ताली नहीं बजा रही थी है ना कि भाई इनके नब्बे आ रहे मैंने ऐसे हाथ पीछे कर रखा था कि भाई ये लाएंगे वो दिन है ना जब मुझे यहाँ पर इनके परसेंटेज देखने होंगे तो यहाँ पे नीति ने सबसे सही आंसर किया है विशाल ने किया है रामराज ने किया विजय लक्ष्मी अनु निषाद ठीक आकाश कोमल प्रज्ञा अब देखो इनको मैंने पढ़ाया कि जैसे चिप्स में नाइट्रोजन गैस होती है गाड़ी के टायरों में नाइट्रोजन गैस है ना तो कहीं भी देखो बस नाइट्रोजन के साथ उड़ जाओ है ना रुको जरा अगला क्वेश्चन है अगला करिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या पूछा जा रहा है कि द लॉन्ग रेंज पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द इंडिया डिपेंड्स ऑन रिवर्स रिजर्व ऑफ ठीक है आपसे कहा जा रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा की लंबी दूरी की क्षमता इसके भंडार पर निर्भर करती है थोरियम यूरेनियम या आपका प्लूटेनियम या रेडियम ठीक है बताइए जल्दी जल्दी से हां जी चलिए तो यहां पे आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं इस बार ठीक है और बी ऑप्शन आपका यहां पे सही जाएगा लेकिन एक बार ढंग से देख लीजिए क्या सही आंसर कर रहे हैं भेड़ चाल तो नहीं एक बार ढंग से देख लो हाँ भेड़ चाल तो नहीं हो सकता है मैं ऐसे ही बोल रही हूं कहीं भेड़ चाल आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा हो ठीक है चलिए तो याद रखिएगा कि थोरियम को हमारे क्या कहा जाता है कि जो है इसे हम आ, कहते हैं कि भाई थोरियम इंडिया भारत को थोरियम का भंडार कहा जाता है लेकिन यहाँ पर आपका सही आंसर है बी ऑप्शन ठीक है कि भाई जो लंबी दूरी की क्षमता है ना तो यहाँ पे आपका क्या सही आ जाएगा बी ऑप्शन सही जाएगा श्योर रिजल्ट करेंगे बी वाले यहाँ पे सही है हालांकि एट्टी सेवन परसेंट यहाँ पे सही है जाल में फंसने वाले के हैं अच्छा जाल में फंसने वालों की संख्या है सात प्रतिशत और लवी नरेंद्र मंडा बोली अंगराज और बीच में देखेंगे दुर्गा शर्मा सुरेखा ऑफिशियल और फिर निशु वर्षा ठीक है जतिन सूरज झांसी नीति गहलोत नेहा अनुनिशा ठीक है आइए अगले क्वेश्चन पे अगला आपके सामने है स्टार्ट पोल करिए भाई हां जी क्या पूछा जा रहा है ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक होता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर ठीक है अफ्रीका के ऊपर भारत के अंटार्कटिका के या यूरोप के ठीक है ओजोन शुद्र का निर्माण सबसे ज्यादा कहां पे देखा जाता है ठीक है ओजोन शुद्ध का निर्माण सबसे ज्यादा कहां पे ठीक है आंसर करते रहिए

अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला है आपके पास वह कौन सा तत्व है जो पृथ्वी की संरचना में सर्वाधिक प्रतिशत में है वॉट इज द एलिमेंट दैट द हाइएस्ट परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफर सिलीकॉन ऑक्सीजन मैग्नीशियम आयरन बताए जरा इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी जल्दी जल्दी

चलिए अगला क्वेश्चन आप करिए जरा सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है ठीक है काफी कैसे पहुंचती है ये पूछा जा रहा है रिफ्लेक्शन के द्वारा कंडक्शन के द्वारा रेडिएशन के द्वारा कन्वेक्शन के द्वारा किसके द्वारा पहुंचती है जल्दी से बताओ किसके द्वारा पहुंचती है जल्दी से जल्दी बताएंगे सी, सी 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 ओके 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 जी बिल्कुल शानदार आंसर है सी ऑप्शन और एक भी ऑप्शन इधर उधर नहीं जा रहा मैं देख पा रही हूं चाहे अभिषेक है चाहे झांसी है चाहे तुक्का गैंग है या यहाँ पे नुसरत है विजय है स्टेटस करके कुछ है इन सभी का आंसर एक साइड एक साइड से सही जा रहा है और वो आंसर है क्या मैम रेडिएशन ठीक है ये सबसे फास्टेस्ट मोड है यानी सी ऑप्शन इज राइट याद रखिएगा कि रेडिएशन मेथड से जो हीट ना कई बार क्वेश्चन आता है कि हीट क्या वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है हीट क्या वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है ऑप्शन उप्ष, उप्ष, सी यहाँ पे शोर जल करिएवेंटी फोर परसेंट स्टेटस शॉर्ट अंगराज मिस अंजलि निलेश शिवानी मिश्रा ठीक है अगले क्वेश्चन पे आइए स्टार्ट पोल करते हैं करिए एक बार सर ए सी मैंने कहा था ना सिक्सटीन पे है देखना एक बार करिए आप जो जिसको ठंड लग रही है वो जैकेट पहन लेगा अदरवाइज मैं कर रही हूं कितने पे है ये फैन फैन तो ऑफ है ना फैन तो ऑन करो एटलीस्ट फैन ऑन करो क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पे जल्दी 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 चलिए तो यहां पे याद रखिएगा माध्यम में तापमान वृद्धि के साथ प्रकाश की गति तो मैं आपको पहले ही बता दू बच्चा कि जो प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट है ठीक है जो स्पीड ऑफ लाइट है है ना वो किसी भी मीडियम में आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में अनचेंज रहती है ठीक है ये जो है टेम्परेचर टेम्परेचर में डिपेंड नहीं करेगा ठीक है किसमें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा ये तो याद रखिएगा रिमेन एंड चेंज यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही जाएगा ठीक है सी ऑप्शन यहाँ पे आपका शो रिजल्ट में बिल्कुल सही जाएगा है ना आ जाइए लवी मेहना सुरेखा ठीक है और एसके गुजर फोकस ऑन योर गोल शिवांगी रिया प्रज्ञा साहू ठीक है विजय चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे ठीक है तो याद रखेंगे कि अगर टेम्परेचर पे हाँ ये बात है कि साउंड साउंड आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है पर स्पीड ऑफ लाइट जो है डिपेंड नहीं करता है ना सही हाँ, ये जो हाई गर्मी हाई गर्मी कर रहे ना पिटाई हो जाएगी आओ अगले क्वेश्चन पे आओ जल्दी से बताओ जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाए तो किसका संकेत है बताए जल्दी से हाँ जी क्या पूछा जा रहा है कि वेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप्स सडनली तो ये किस चीज का जो है आपके पास संकेत दिया जा रहा है किस चीज का जो है यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली जैसे यहाँ पे है हालांकि ठीक है शांत मौसम आने वाला है या आंधी तूफान आने वाला है या शुष्क मौसम आने वाला है क्या पूछा जा रहा है और किस ओ, इस किस ऑप्शन के साथ आप जाना यहाँ पर पसंद करेंगे सी 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 ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही बात है स्ट्रॉम सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंधी तूफान आने वाला है तो सी के साथ ही शो रिजल्ट करेंगे और एटी फोर परसेंट यहाँ पे अंग्राज है, है अनुजा प्रियांशु है और बीच में अगर हम देखें तो विजय लक्ष्मी प्रज्ञा है अभिषेक है अमित है जतिन प्रीति चलिए प्रीति अगले क्वेश्चन का आंसर करो विद्युत सुचालक है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्राई एयर पेपर या कैरोसिन ऑयल या ग्रेफाइट विच वन इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच वन इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताएं जल्दी से तो बच्चे देखो नॉन मेटल जितनी भी नॉन मेटल है ना नॉन मेटल में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता ये क्या होते है ठीक है ठीक है याद रखिएगा ये एलोट्रोप है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ठीक है कार्बन का अपर रूफ है क्या है अपर रूफ है ठीक है कार्बन का अपर रूफ है तीके? तीके? ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा डी वाले बच्चे अपने लिए ताली बजाएंगे यहां पे। शोर के साथ साथ 81 यहां पे सही है जिसमें संग्राज नीति आकाश और किस्मत, हिमांशु और पंचा और आरू सु यहाँ पे सही खेल रहे हैं अगला क्वेश्चन करो एड्स वायरस क्या है भाई सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या है वॉट इज द एड्स वायरस जी, एड्स वायरस क्या है जल्दी 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 ए बी ए बी ए बी कर रहे हैं ओके 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 ठीक है अपने 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 हिसाब से आंसर सभी कर रहे हैं तो एड्स वायरस बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है याद रखेगा और रेट्रो फैमिली का रेट्रो फैमिली का क्लियर है हां जी ठीक है चलिए भाई और जब किसी को एड्स हो जाता है तो उसे एआरटी ट्रीटमेंट भी दिया जाता है ठीक है ना एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है याद रखेंगे एंटी रेट्रो रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ठीक है अब तुम समझोगे कि मैम अगर एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो क्या एड्स का ट्रीटमेंट आ गया है मैम क्या एड्स का क्यों हो गया है मैम क्या उसका जो है अगर हम बात करें कि उस क्या मैम उसके उपचार आ गए हैं क्या जो है एड्स को ठीक किया जा सकता है बच्चे देखो इससे थोड़ा सा लाइफ बढ़ाया जा सकता है जिसे एआरटी दिया जाता है ना उसके थोड़े से लाइफ को बढ़ाया जा सकता है लेकिन याद रखिएगा कि एड्स को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता अभी अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है तो आंसर यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही जाएगा ए के साथ शो रिजल्ट करेंगे 82 टू परसेंट यहाँ पे सही है अंगराज में संजनी शिवानी नीति और लास्ट में यहाँ पे अजय यहाँ पे लास्ट में है ठीक है चलिए यहाँ पे पांडा कौन आ गया भाई पांडा कौन है मुझे बताओ यहाँ पे पांडा कौन है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ऑकर्स इन अधिकतम प्रकाश संश्लेषक गतिविधि होती है किसमें ब्लू एंड रेड में में ग्रीन एंड एंड येलो ब्लू ऑरेंज में किस में आपसे पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा फोटो होगा किस कलर में सबसे ज्यादा फोटो होता है शिवानी मिश्रा कह रहे मैम मैं हूं पांडा अच्छा शिवानी मिश्रा आप पांडा है चलिए भाई ठीक है बी ऑप्शन यहाँ पे खेल रहे हैं मैम बी इज राइट हेयर ओके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही जाएगा ठीक है हाँ जी मुझे लगता है कि बी ऑप्शन वालों ने जो होली की पूरी तैयारी कर रखी है बी ऑप्शन वालों ने यहाँ पे होली की पूरी तैयारी कर रखी है ना? B है ना जितने बी ऑप्शन वाले हैं मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे से होली की तैयारी कर रखी इनके पास सारी सुविधाएं है ना तो ऑप्शन

चलिए बहुत फेमस क्वेश्चन है गलत पता नहीं कैसे ही कर रहे हो आ जाओ अगला क्वेश्चन आपके सामने है बताए जल्दी से हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली में एक दुर्लभ और लुप्रयाप्त जानवर है ठीक है आइए बताइए आ रेयर एंड इन इनजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली इज मस्क डियर ठीक है या टाइगर या आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे जो है लायन टेल्ड या आपसे जो है रियानो सोर्स यानी गैंडे जो है ठीक है बताएं क्या ऑप्शन करेंगे किस ऑप्शन के साथ जाएंगे यस yes, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या जाएगा सही जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा ठीक है सी आपका सही जाएगा मैं एक बार सामने से हट जाती हूँ अदरवाइज तुम कहोगे मैम आप सामने आ जाते हो इसलिए हम आंसर नहीं कर पाते हैं तो मैं थोड़ा सा इधर खड़ी हो जाती हूँ है ना ताकि तुम आंसर कर पाओ चलो ठीक है अभी दिख रहा है तो सी ऑप्शन आपका सही जाएगा सी के साथ ही शो रिजल्ट करेंगे एटी वन परसेंट काफी शानदार आंसर है और पारा भी जो है ये अगर पारा जहां तक गया है ये भी काफी शानदार है और अंगराज है महनाज है मिस अंजलि है और आर्यन है निशु है सुमित है हरेंद्रा है रिया है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इस पौधे के फल जमीन के नीचे पाए जाते हैं हाँ जी बताइए फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट फाउंड इन अंडरग्राउंड ठीक है क्या है पेटेटो कैरेट या ग्राउंड जैसे पीनट कहा जाता है ठीक है जिसे पीनट भी कहा जाता है आंसर करिए और अनियन कौन सा है बच्चा जो जिसके फल जमीन के नीचे रहेंगे किस ऑप्शन के साथ आप यहाँ पर खेल रहे हैं चलिए अप भी करेंगे क्लास को है ना साथ साथ जो है अप भी करते रहेंगे क्लास को ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा आपका और सी के साथ ही शुरू जल करने पे पता चलेगा कितने प्रतिशत बालक से 87 सेवन परसेंट लबी पे दिल्लू दिल खुश रश्मि और लास्ट में जो है यहाँ पे आरजू है अगले पे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है मनुष्य में गुर्दे की बीमारी प्रदूषक के कारण होती है किडनी डिजीज इन मैन बाय द पॉल्यूशन ठीक है कैडमियम आयरन कोबाल्ट कार्बन किस पॉल्यूशन के कारण भाई किडनी की बीमारी हो जाती है किस पॉल्यूशन के कारण किडनी की बीमारी होती है बताएं जरा हाँ हाँ आंसर करते रहिए ए बी सी में से कौन सा सही है भाई प्राणी ए ऑप्शन खेल रहे हैं ये क्या है, है? हां कैडमियम मॉलिक्यूल आपका बिल्कुल सही आंसर है ठीक है कैडमियम मॉलिक्यूल आपका सही है यस बिल्कुल सही है कैडमियम आपका सही जाएगा ए ऑप्शन के साथ शो रिजल्ट करेंगे 67% यहां पे सही है ठीक है और अंगराज में संझली और लास्ट में यहां पे निधि है ठीक है अच्छा बताओ इटाई टाइरो कैसे होता है इताए इताए रोग कैसे होता है बताइए इटाई रोग कैसे होता है कौन बताएगा इटाई रोग कैसे हो जाता है जो इटाई डिजीज है ये कैसे हो जाता है कौन बताएगा भाई इटाई डिजीज कैसे हो जाता है जल्दी 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 हांजी Molecule, molecule, तो इताई, इताई कैडमियम कैडमियम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है तो इताई, इताई भी भी है ना ठीक तो याद रखिएगा कि संशोधित रूप अनियन मॉडिफाइड फॉर्म लीफ स्टेम रूट एन ऑफ दिस जो प्याज है प्याज आपसे पूछा जा रहा है कि किसका यहाँ पे बच्चों मॉडिफाइड रूट है ठीक है लीफ पत्ती का तने का या रूट का जल्दी से बताएंगे किसका मॉडिफाइड है बी के साथ बी 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 ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ ज्यादा जा रहे हैं। हाँ जी स्टेम यहां पे तना आपका सही जाएगा स्टेम यानी तना आपका बी ऑप्शन आपका यहां पे

अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या पूछा जा रहा है द एसिड यूज इन लेड स्टोरेज बैटरी ठीक है बताइए कि लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है ना उसमें कौन सा अम्ल यूज किया जाता है ठीक है कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड एसिड या हाइड्रोक्लोरिक या नाइट्रिक एसिड या बच्चा आपके सामने है जो है आपका कौन सा है फॉस्फोरिक एसिड कौन सा एसिड यूज किया जाएगा कौन सा एसिड प्रयोग में लिया जाएगा हाँ जी फॉर्मूला लिख के भी बताएंगे ऑप्शन के साथ इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे ताकि आपको फॉर्मूला भी साथ साथ याद रहे

सेवेंटी टू परसेंट यहाँ पे सही है अंगराज गोविंद और लास्ट में आंसर है प्रीति चाहत गर्ग ये यह सभी यहाँ पे शानदार खेल रहे हैं अगला क्वेश्चन मैम अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है आंसर करें थोड़ा सा ऑटोमोबाइल वाहन से निकलने वाली प्रमुख हानिकारक गैस जो वायु प्रदूषण का कार्य कारण बनती है द मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स विच कॉसेस एयर पॉल्यूशन कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन गैस किस ऑप्शन के साथ हां जी व्हिच ऑप्शन इज राइट हियर जल्दी 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 चलिए तो अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन मैम ए ऑप्शन ए ऑप्शन मैम सही 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 ठीक है तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका सही जाएगा और याद रखिएगा ये मोस्ट सोल्यूबल इन ब्लड है ठीक है मोस्ट सोल्यूबल गैस मोस्ट सोल्यूबल गैस इन ब्लड तुम्हारे ब्लड में सबसे तेजी से घुलेगी ऑक्सीजन से पीछा छूट जाएगा चलिए 86 सिक्स यहाँ पे अंगराज मिस अंजलि नीति और आज के भी जो विजेता है मुझे जहां तक लग रहा है कि अंगराज आज भी जीतेंगे नेवर गिव अप हरे राज ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टार्ट पोल फटाफट हो गया है आंसर करिए इनमें से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन आपने देखा है कि भाई खाना जो है जब ठंडा हो जाए हमें क्या करना है निकालना है और ओवन में रख देना है ना ठंडे खाने को गर्म करने के लिए हम ओवन में रख देते हैं खाना फटाफट गर्म हो जाता है ठीक है तो खाना गर्म कैसे हो गया ओवन में रखते ही खाना गर्म कैसे हो गया अब देखो हमें क्या है अगर हम गैस पे रखते हैं चूल्हे पे रखते हैं तो हमें आग जलती हुई दिखाई देती है तो आग ने क्या किया है खाने को गर्म किया है लेकिन वहां पे खाना कैसे गर्म हो गया तो कौन सी वेव आ गई है माइक्रोवेव आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा ठीक है सी ऑप्शन यहाँ पे माइक्रोवेव आपका सही जाएगा यूवी के बारे में आप सभी जानते हैं स्किन कैंसर करता है <coughs> तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा 85 फाइव परसेंट आपका सभी का सही अंग्राज में संजली शिवानी निति और मुस्कान अजय रुद्राक्ष सौम्या शिवम ठीक है और सुमित समर ये सभी बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं अगला करो अगला क्वेश्चन आपके सामने है इनमें से किस तरंग किस तरंग का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों के द्वार संचार के लिए किया जाता है ठीक है बताइए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई जो प्लेनेट्स होते हैं ना प्लेनेट्स होते हैं उनके कम्युनिकेशन के लिए जो है आपसे पूछा जा, जा रहा है कि कौन सी वेव का वहां पे प्रयोग किया जाता है विच कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किसका प्रयोग किया जाता है तो बच्चे आप जानते हैं माइक्रोवेव का अभी आपके आपको ओवन में यूज किया जाता है ठीक है रेडियो वेव जो होती है याद रखिएगा रेडियो वेव की जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकती है इसीलिए आपके मोबाइल में या आपके सेटेलाइट को कनेक्ट करने के लिए कॉम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जाएगा और खुशी इस बात की है कि 87 परसेंट बालक यहाँ पे सही खेल रहे हैं 87 परसेंट बच्चे यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है अंगराज में संजली और लास्ट में आंसर यहाँ पे सिक्सटी पर रूपेश आंसर कर रहे हैं रूपेश अगले क्वेश्चन पे आओ जल्दी से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रकार का कोयला प्रति इकाई सबसे अधिक उष्मा उत्पन्न करता है व्हिचAmong of the following types of coal produced most heat per unit ठीक है बताइए कौन सा जो कोयला है वो सबसे ज्यादा हीट एमिट करेगा कौन सा है भाई हेंजी कोल, या आपका पिट, है? तो जिसके अंदर जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना ज्यादा अच्छा कोयला माना जाएगा और उतना ज्यादा आपका हीट एमिट करेगा, तो इस हिसाब से भी कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या जाएगा सही जाएगा सी के साथ शो रिजल्ट करेंगे अंग्राजंजलि पापी गुड़िया और आरू सैनी यहाँ पे ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला है आपके सामने बच्चों कि इनमें से किसमें भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक विकसित की Who among the following developed the technology of underground nuclear explosion? ठीक है बताइए चार ऑप्शन है चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा चार ऑप्शन है चारों में से आपको कौन सा यहाँ पे ठीक लग रहा एक के साथ जल्दी से जाके अपना आंसर यहाँ पे आप बताइए ठीक है अपने अपने अकॉर्डिंग सभी बहुत शानदार आंसर यहां पे कर रहे हैं ठीक है द नेचर लवर भी आंसर कर रहे हैं फोकस ऑन योर गोल है काजल है निधि है और रूपेश आ गए हैं ठीक है हिमांशु विजय सुमित मोहित चलिए आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जाएगा ठीक है डॉक्टर होम ठीक है भाभा यहाँ पे आपका सही है ठीक है तो ए ऑप्शन आपका क्या जाएगा सही जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा और 74 परसेंट बच्चों ने सही भी बताया है क्वेश्चन को अंग्राज में संजली शिवानी और लास्ट में आंसर है यहाँ पर सानिया

इधर 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 से ठीक है तो इन हड्डियों को आपसे पूछा जा रहा इधर, इधर, चौबीस जुड़ी होती हैं अब तो बता दो कि क्या कहते हैं हां जी अब तो बता दो क्या कहते हैं कौन सी हड्डियां होती हैं ये तो आप सभी जानते हैं है, मैम इन्हें रिप्स कहा जाता है पसली कहते ना तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे है ना

पिताजी क्या करेंगे पसली हड्पली कैसे करेंगे वो तो कुटाई करके करेंगे और माताश्री क्या करेंगी उनके जो ताने रहेंगे है है ना ना कि शर्मा जी का जी का लड़का गुप्ता की लड़की है ना? तो वो ज्यादा दुख पहुंचाएंगे पिताजी का क्या रहेगा एक बार तोड़ेंगे तीन चार दिन में दवाई वाई खा के दूध हल्दी पी के सही हो जाएंगे लेकिन जो मम्मी के ताने रहेंगे ना वो भाई साहब दिल में आके छेद कर जाएंगे ठीक है तो इसीलिए सिलेक्शन ले लो आंसर है अंगराज दर्शन है ना शिवानी मिश्रा अनुजा नीलेष और लास्ट में अमर यादव है ठीक है अठारह का हूं मैं मैं हूं ना मैम मैम बच्चा रहा मैं हूं ना जिसकी हड्डी पसली एक होने वाली है <laughs> चलिए बहुत सारे हैं शशांक भी ऐसे हैं तो शशांक आपका आंसर है ना ऐसा आना चाहिए कि आपका सबसे सही आंसर आएगा हड्डी पसली से बचाना है तो ज्यादा पढ़ना शुरू करो भाई आइए अगला क्वेश्चन बच्चा

चलिए और मैं लिख के दिखा रही हूँ प्रॉपर के देखो भाई इसमें छे है इसमें सात है इसमें आठ है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला है मशरूम क्या है भाई कहोगे मशरूम शिल्पी मैम की फेवरेट सब्जी है अरे रुको वो नहीं बताना है इसमें से बताओ क्या है नॉट कवक जानवर पौधा बताओ वट इज द मशरूम मशरूम क्या है जल्दी 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 बी ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है चलिए हांजी मशरूम क्या है मशरूम एक प्रकार का फंगी है फंगस है एक प्रकार का कवक है ठीक है मशरूम क्या है एक प्रकार का फंगस है बच्चों ठीक है तो आंसर यहां पे आपका क्या सही जाएगा फंगी यानी आपका जो है बी ऑप्शन सही जाएगा इस क्वेश्चन में आपका क्या सही जाएगा बी ऑप्शन आपका सही जाएगा फंगस यानी कवक ठीक है फंगस यानी कवक आपका बी ऑप्शन सही जाएगा शो रिजल्ट करते हैं 94 आपका सही दर्शन में में और लास्ट में हाँ पे करिश्मा है लास्ट में यहां करिश्मा है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है द फंग, फंगल द फंगल सेलवॉल इज मेड अप ऑफ हार्ड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड आपसे पूछा जा रहा है कि जो फंगी है ना उसकी वॉल किसकी बनी होती है कोशिका वित्ती कहते हैं उसे ठीक है किस में किस में नहीं पाई जाती है सेल वॉल याद रखिएगा एनिमल सेल डज नॉट कंटेन है ना एनिमल सेल में नहीं है एनिमल सेल डज नॉट कंटेन सेल वॉल इसमें सेल वॉल नहीं है ठीक है बाकी सभी में है और फंगी की सेल वॉल किससे बनी है काइटीन है ना कोई सही से चाइटीन नहीं पड़ेगा दिस इज नॉट चाइटीन है ना चाइटीन कहते ही चाटा लग जाएगा तो काइटीन पढ़ेंगे इसे काइटीन आपका इसका सही आंसर जाएगा चलिए तो आंसर यहाँ पे बी ए ऑप्शन के साथ खेलते हैं शो रिजल्ट करते हैं और आंसर यहाँ पे काजल पांडे दर्शन नीति और लास्ट में आंसर आया है दुर्घटना घटी सब्जी बटी <laughs> ये देखो नया कलाकार है ना दुर्घटना घटी सब्जी पूरी बटी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल एक की कमी थी छोले भटूरे वाला है ना और लिट्टी चोखे वाला तो आ गया था सब्जी पूरी की कमी थी है ना सब्जी पूरी वाला भी आ ही गया अपने पास चलो भाई तो देखो क्या करना है नहीं सिलेक्शन लोगे तो ये रेडी लगाना है है ना अपना अपना बांट कि भाई तू छोले भटूरे की लगाई हो, मैं मोमोज़ की लगाऊंगा एक सब्जी पूरी की लगा लेगा है ना चलिए अगले पे चलो भाई अगला अगला है कि वैक्सीन की खोज किसने की है प्राणी की खोज किसने की है जल्दी 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 हाँ एक लोटा गिलास भी आया था ठीक है वो बर्तन बेच लेगा बेचारा चलो जल्दी 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 बी 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 चलिए बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है चलिए तो जोन सोल्व आपका सही जाएगा मैंने कहा था भाई पोलियो बचपन में पीते थे लगता था और से से बनाएंगे यहीं आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो बी ऑप्शन आपका सही है बचपन से मैंने हुआ है है ठीक चलिए भाई तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा है ना आज आपके टेलीग्राम चैनल पे भी जो साइंस भाई शिल्पी मैम का है उस पर भी मैं सेम यही करने वाली हूँ ठीक है चलिए शोर रिजल्ट में एटी परसेंट पे सही है और मोना प्रश्न चार लास्ट में है अगला क्वेश्चन करो क्वेश्चन है यहाँ पे इस प्रकार से कि इनमें से कौन सी अधिश राशि नहीं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी कौन सी है जो सदिश है मतलब वो अधिश नहीं है कौन सी है एक जो सदिश है मतलब वो अधिश नहीं है वो वॉल्यूम है बच्चे वो मास है वो फोर्स है या वो लेंथ है बताए कौन सी है जल्दी से बता दीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी। सी सी डी सी डी सी डी सी डी ठीक है आंसर यहाँ पे क्या सही जाएगा मैम आंसर यहाँ पे बच्चा जाएगा फोर्स ठीक है फोर्स क्या है फोर्स आप जानते हैं एक, एक सदिश राशि है फोर्स क्या है फोर्स एक सदिश राशि है तो आंसर यहाँ पे आपका आ, कौन सा ऑप्शन है सी है ना सी ऑप्शन आपका सही जाएगा शो रिजल्ट में तेईस बालकों ने कमाल कर दिता है ना भाई साहब ज्यादा परसेंट गए हैं डी के साथ

चलिए अंगराज है दर्शन है कॉकरोच गैंग है पवन कुमार है, है ना बाकी सबने लेंथ को यहाँ पे सदिश बना दिया है अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोडक्टिव सेल इनमें से कौन सी एक कोशिका है जो प्रजनन कोशिका है कौन सी एक कोशिका है जो प्रजनन कोशिका है गैमेट डब्ल्यू बी आरबीसी लिम्फोसाइट जल्दी 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 हां जी जल्दी से क्या ऑप्शन आएगा यस शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं और थम्सअप भी करेंगे क्लास को सारे बच्चे ठीक है बी ऑप्शन कर रहे हैं ओके तो आंसर यहाँ पे गैमेट आपका सही जाएगा है ना ए ऑप्शन गैमेट युग्मक ठीक है पुरुषों में स्पम्स हो जाएगा ठीक है गैमेट सेल और महिलाओं में ओवम हो जाएगा मैंने बताया था तो आंसर पे आपका ए ऑप्शन सही जाएगा और कुछ बच्चे यहाँ पे तीन प्रतिशत एक प्रतिशत गए हैं इनके अकॉर्डिंग जो लिम्फोसाइट है वो रिप्रोडक्शन में भाग ले रही है हा? कहां से लिम्फोसाइट रिप्रोडक्शन में भाग लेगी भाई चलिए अंगराज दर्शन अनुझा ठीक है और अनुनिषाद है ना आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बताए एक व्यक्ति दस मीटर से आगे स्पष्ट नहीं देख पाता है ठीक है तो बताइए उसे कौन सी बीमारी है है ना आपसे पूछा जा रहा है कोई इंसान है ठीक है अगर दस मीटर से ज्यादा हम कोई चीज रखते हैं तो वो वहां से नहीं पड़ पा रहा ठीक है दस कितने कितने बोला गया है? दस सेंटीमीटर या मीटर है जो भी है ठीक है तो उसे कौन सी बीमारी है बच्चे कौन सी बीमारी है तो भाई देखो ध्यान से सुनो कहाँ का नहीं देख पा रहा है कहोगे मैम दूर का नहीं देख पा रहा तो देख कहाँ पे रहा है 10 मीटर से आगे यानी 10 मीटर से आगे यानी हम कह सकते हैं वो पास का देख पा रहा दूर का नहीं देख पा रहा तो जहां का देख पाता है ना वही का दोष होता है निकट दृष्टि दोष बी ऑप्शन मायोपिया है ठीक है चलिए तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा शो रिजल्ट में सिक्सटी परसेंट बालक सही हैं और जो थर्टी थ्री परसेंट पे गए हैं ना थोड़ा सा आप अपने हिसाब से प्लान कर लो ना चीजों को इसको हमेशा ऐसे याद करो कि भाई जहां का दिखता है ना वही का दोष रहता है पास का दिख रहा है यानी उसको पास का ही दोष है निकट दृष्टि दोष है ठीक है चलिए दर्शन काजल और अभिषेक कुमार चलिए तो बताइए केले के पौधे में सबसे ऊपरी ठीक है क्या पूछा जा रहा है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है केले के पौधे में सबसे ऊपरी हिस्से के रोग का कारण बनता है बंची टो बनाना प्लांट डिजीज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया फंगस वायरस है ना जल्दी जल्दी बताइए चलिए तो आपको पता है क्या है इस इस ये एक वायरस है बच्चा और इसके फॉर्म है बी बी टी ठीक है अब कहोगे फुल, फुल जो है इसका जो है नाम क्या इस वायरस का तो इस वायरस का नाम है बीबीटीवी अब ये क्या होता है बड़ा मजेदार बड़ा मजेदार नाम है इसका देखो क्या नाम है इसका नाम है बनाना बनाना बंची बनाना बंची टॉप वायरस नाम देख रहे हो हाँ ऐसा नाम तुम्हारा रखा दू मैं अगर बनाना बंची टॉप वायरस ठीक है तो बनाना बंची टॉप वायरस देखो इस प्रकार से क्या करता है पत्तों में जो है रोग कर देता है ठीक है इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं उनमें सड़न शुरू हो जाती है ठीक है तो यहां पे आपका बनाना बंशी टॉप वायरस ऑप्शन और <laughs> ये मैंने गलत किया है या yeah. हा <laughs> ये मैंने गलत किया है या मेरे साथ गलत हुआ है लास्ट क्वेश्चन में तो आज ही क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं करूंगी है ना ये मैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नहीं करूंगी ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं नहीं करूंगी ये भाई लास्ट क्वेश्चन है मैं इतने कम परसेंटेज के साथ नहीं जा सकती हूँ चलिए तो एक बार इसका शॉर्ट भी लेंगे है ना कितना शानदार परसेंटेज लेके आए हूँ मैं कुछ बोलने के लिए ही हकदार नहीं हूं है ना चलिए कह रहे मैम मैंने सी लगाया था सी लगाया था तो नाम क्यों नहीं आया हाँ चलो अगला क्वेश्चन है इसको करके जाओ फिर आ जाओ किसी पिंड का द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है हाँ जी m इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा हाँ जी इसको तो कर दो इसको तो कर दो चलो मैम ये पोल ने तो आज हद कर दी तुमने बड़ा सही आंसर किया था हाँ चलो आंसर करो इसका तुम कई बार ऐसे आंसर कर दे हो कि कहना पड़ जाए कि बच्चा पार्टी रॉग्ड एंड शिल्पी मैम शॉक्ड ठीक है आंसर करो जल्दी जल्दी मैं बिल्कुल शॉक हो जाती हूँ क्या मैंने सही पढ़ा है क्या मैंने ऑप्शन सही लगाया मैं दो बार चेक करती हूँ जब तुम ऐसे परसेंटेज लेके आते हो आंसर यहाँ पे फोर्स आपका सही जाएगा बल बर, बल बराबर आपका मास इंटू एक्सलेशन हो जाता है ठीक है चलिए तो आपका ऑप्शन पे सही जाएगा फोर्स देखो आंसर किया है। अब इसकी बच्चों याद रखिएगा ये शिल्पी मैम का टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल पे जाके लिखना रेट शिल्पी मिश्रा पीडब्ल्यू आपको आपको मेरा साइंस वाइज शिल्पी मैम करके वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा उस पर

हाँ जी बच्चे एस एस सी वाला पे ही पढ़ रहे हैं ना हम पक्का चलो पीडब्ल्यू लग गया आ सही तो यहाँ पे बात करें अगर ठीक है ठीक है जी आइए तो यहाँ पे बात करें फर्स्ट एक बार तालियां बजाएंगे रोज अंग्रेज के लिए तालियां बजती है आज आज भी बजनी चाहिए ठीक है अंग्रेज यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएंगे है ना उसके बाद में सेकंड पे नीति है ठीक है बहुत दिनों के बाद नीति क्लास में आए हैं लेकिन आते ही अपने जो है स्थान को इन्होंने ले लिया है देन कॉकरोच गैंग थर्ड बहुत शानदार भाई कॉकरोच होके भी तुसी कमाल कर देता ठीक है चलिए भाई कॉकरोच ठीक है ओके मिस अंजलि शिवानी प्रिंस रामराज सौरभ पापी गुड़िया हेमंत अनुझा ठीक है हेमंत तक टॉप टेन है देन अनुझा शिफा चंदन राहुल झांसी लक्ष्मी एसके गुजर प्रियांशु आकाश रुद्राक्ष ट्वेंटी में आ रहे हैं और फिर यहाँ पे बीच में अगर देखें तो पूजा प्रशांत पूजा अक्षय करिश्मा माय ड्रीम केदारनाथ मंजीत अजय अमर किस्मत और स्टेटस शॉर्ट्स काजल ठीक है और रोहित लास्ट में यहाँ पे आंसर है ईश्वर सिंह ठीक है अवारा है यहाँ पे और पीयूष है ठीक है ठाकुर प्रिंस है चले बहुत शानदार आंसर आप सभी कर रहे हैं आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे ठीक है सभी जाके पीडीएफ के लिए इसे क्या करेंगे चैनल को ज्वाइन करेंगे है ना पीडीएफ भी पंद्रह मिनट बाद मैं अपलोड कर देती हूँ बेस्ट ऑफ लक मिलते हैं अगली क्लास में अगली क्लास के विनर आप में से कोई एक बनेगा फिर से और कोशिश करना कि आप अंगराज को हटा दें फर्स्ट से और अंगराज आप कोशिश करना कि आपको कोई फर्स्ट से ना हटा पाए आपके लिए एक बार फिर से तालिया बाय बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक